वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल क्यूरियस कौशिक में। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीक आपका बहुत ही अच्छा गया है, वीकेंड भी आपका अच्छा ही जाएगा, इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में सड़क पे जितने भी गाड़ी चलते हैं उनमें से 60% से भी ज़्यादा गाड़ी चलते हैं डीजल में। पर क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जी, इसका आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। जी, ये एक जर्मन इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1858 एडी में पेरिस में। इसका पिता का नाम था थियोडोर और माताजी एलिजे थे। और पिताजी का एक लेदर शॉप थे और ये बचपन से चाइल्डहुड टाइम से ही ये अपने पिताजी के दुकान में काम करते थे, उससे हाथ बटाते थे। और आगे चल के इन्होंने पढ़ाई शुरू की प्रोटेस्टेंट स्कूल जो फ्रांस में है फ्रेंच स्कूल, तो उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई शुरू की। और 1875 में इन्हें स्कॉलरशिप मिला और ये लंदन चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। इन्हें बचपन से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग ही दिलचस्पी थी और इन्होंने एक साल ज़्यादा लगा इन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बीच में इन्हें टाइफाइड हो गया था। और 1880 में इन्होंने पहली बार डीजल इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया और 1892 में इन्होंने काफ़ी हद तक सफलता पा भी लिया। 1893 में इन्होंने डीजल इंजन बना भी लिया और 1897 में इन्होंने उसी इंजन को 25% मोर एफिशिएंट बनाया। पर 29 सितंबर 1913 में इन्होंने सुइसाइड कर ली, लोगों का यही मानना है। पर हकीकत में ये हुआ कि लंदन में उन्हें काम करने के लिए जाना पड़ा, उन्हें कुछ ऑफिस वर्क था जिसके लिए उन्होंने 1913 में उन्होंने लंदन में गया। और 29 सितंबर जो उन्होंने आखिरी शब्द बोला था वो था सी यू टुमारो 6:30, मतलब कि अगले दिन सुबह मिलते हैं 6:30 बजे। तो जो इंसान एक प्लानिंग के साथ अगले दिन सुबह उठने की के साथ ही सबको सीएफ करता है, उन्हें अगले दिन कहीं पर नहीं मिलता है। अगले दिन से वो लापता हो चुका था। तो लोगों ने बहुत ढूंढा पर कहीं पर भी नहीं मिला। 10 दिन बाद उनका डेड बॉडी मिला समुद्र किनारे पर। जो नाविकों को वो मिला था, उन्होंने जो बॉडी पूरा सर चुका था, तो उन्होंने जो उनके पास चीज़ें थी वो निकाल के उसे वापस समुंदर को अर्पण कर दिया। तो आगे चल के उसी चीज़ों से ये शनाख्त किया गया कि जी वो रुडोल्फ डीजल ही थे। बहुत ही दुख भरी घटना है। लोगों का मानना है कि वो डिप्रेशन में थे क्योंकि उसका जो आविष्कार था डीजल इंजन, ये आगे चल के इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये उसका मानना था, तो उसके चलते उसने सुसाइड कमिट कर ली। पर क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है? एक आदमी इतना महान आदमी अगले दिन सुबह की प्लानिंग करके जाता है सोने के लिए कि 6:30 बजे मिलेंगे, और वो अगले दिन सुसाइड कर लेता है, और वो भी होटल में नहीं, कई दूर जाके समुंदर में। एक अनोखी बात, एक सीक्रेट बात जो बाद में पता चला कि उसका जो राइट था, डीजल इंजन का जो राइट था, वो उन्होंने तय किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के लिए, और शायद ये जर्मन गवर्नमेंट को नापसंद था। इसके चलते भी कुछ भी हो सकता है, उसका मर्डर भी पॉसिबल है। तो आपको क्या लगता है कि रुडोल्फ डीजल ने आत्महत्या की थी या फिर ये एक हत्या थी? आपको जो भी लगता है कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये पूरा जान के, ये घटना जान के, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। बाय दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ।